armed. Amit Pal's supporters are also armed, and police naturally has to be armed. As tensions are told, allegedly tensions are running high. So this is a time when they have to take very, very close, they have to monitor the situation very closely. Not only the place where he has allegedly been detained. संगत को बेनती है कि जिन्नी हो सकती है संगत पहुंचो लोकेशन मैं लाइव सेंड कर दूंगा। पुलिस मगर और देखो पुलिस आ गई मेरे मगर उधर खेतरा च खेतर लग गई मगर और देखो तीन चार गड्डिया और देखो आ गए जे आ देखो भज्जे आंदे आ देखो आ घेरा पाया चारे बन्ने मेरे भी मगर लग गई है लग गई पुलिस मेरे मगर इनू वो तो ग्रुपा ही छो बहुत वीडी गिनती च दस बारह गड्डिया है। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की बड़ी मुश्किलें पुलिस के निशाने पर वारिस पंजाब दे के मुखिया अमृतपाल अमृतपाल के साथ साथ उसके समर्थकों की भी आई मुसीबत। जी हाँ पुलिस ने अमृतपाल सिंह और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की तो कई खबरें सामने आने लगी। सबसे बड़ी खबर ये आई कि पुलिस ने अमृतपाल सिंह को हिरासत में ले लिया है और गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं अमृतपाल के साथ ही उसके 6 समर्थकों की गिरफ्तारी की बात भी सामने आ रही है। हालांकि अभी इन खबरों की पुष्टि होनी बाकी है लेकिन इतना साफ है कि पुलिस पिछले कुछ दिन से उसकी तलाश कर रही थी और उस पे शिकंजा कसने के लिए टीम भी तैयार कर ली गई। अमृतसर के अजनाला कांड के बाद पुलिस समेत सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई थी और तेजी से शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। पहले अमृतपाल के समर्थकों पर एक्शन लिया गया उसके बाद अमृतपाल की सरगर्मी से तलाश में पुलिस जुट गई और उसके ठिकानों पर छापे मारने लगी। पंजाब के कुछ जिलों में रविवार रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं तक बंद कर दी गई हैं। अमृतपाल की गिरफ्तारी से माहौल ना बिगड़े इसलिए नेट सेवाएं बंद की गई हैं। बता दें कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ 3 केस दर्ज हैं इनमें 2 हेट स्पीच से संबंधित हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही देखते रहिए जी इंडिया।